महाराष्ट्र की सियासी बिसात पर इंडिया गठबंधन ने पहला दांव चल दिया है। विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस, शिवसेना, उद्धव गुट और एनसीपी शरद पवार गुट ने मुख्यमंत्री का चेहरा और सीट बंटवारे का फॉर्मूला तय कर लिया है। कहा जा रहा है कि महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे इंडिया गठबंधन की ओर से मुख्यमंत्री का चेहरा होंगे। हालांकि तीनों दलों की ओर से अभी इसका आधिकारिक ऐलान नहीं किया गया है। लोकसभा के हालिया चुनाव में सबसे ज्यादा सीटों पर लड़ने के बावजूद उद्धव ठाकरे की शिवसेना इंडिया गठबंधन में दूसरे नंबर पर रही थी। कभी शिवसेना के गढ़ के रूप में मशहूर कोकड़ और ठाणे में पार्टी साफ हो गई। शिवसेना उद्धव गुट के इस परफॉर्मेंस के बाद से ही उद्धव के चेहरे को लेकर सस्पेंस बना था। कहा तो ये भी जा रहा है कि इंडिया गठबंधन चुनाव सीटों के आधार पर मुख्यमंत्री का चेहरा तय करेगी, लेकिन अब चुनाव से पहले जिस तरह से फैसले तीनों दलों की ओर से लिए गए हैं उससे महाराष्ट्र की राजनीति में कई तरह की चर्चाएं शुरू हो गई हैं। बुधवार को दिल्ली में महाराष्ट्र में इंडिया गठबंधन के हिस्सेदार कांग्रेस, शिवसेना, उद्धव गुट और एनसीपी शरद पवार गुट की बैठक हुई। पहले उद्धव ठाकरे कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी से मिले। इसके बाद उद्धव की मुलाकात शरद पवार से हुई। तीनों दलों की मीटिंग से जो बातें छनकर आईं उसके मुताबिक महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में उद्धव ठाकरे महाविकास अघाड़ी की ओर से मुख्यमंत्री का चेहरा हो सकते हैं। उद्धव के नाम पर शरद पवार और राहुल गांधी सहमत हैं। सीट बंटवारे की तस्वीर भी लगभग साफ हो गई है। कहा जा रहा है कि महाराष्ट्र में सांकेतिक तौर पर कांग्रेस ज्यादा सीटों पर चुनाव लड़ेगी। शरद पवार की पार्टी और शिवसेना उद्धव गुट बराबर की सीटों पर लड़ सकती है। सीट बंटवारा हाईकमान स्तर पर ही होगा। चुनाव में कोऑर्डिनेशन के लिए तीन दलों का वॉर रूम एक ही होगा। कांग्रेस ने सांसद शशिकांत सेंथिल को महाराष्ट्र में वॉर रूम का प्रभारी नियुक्त किया है। वहीं कहा भी ये भी जा रहा है कि सरकार गठन के प्लान पर भी चर्चा की गई है। सरकार बनने पर कांग्रेस और शरद पवार की एनसीपी से एक एक डिप्टी सीएम बनाया जाएगा। महाराष्ट्र में 2019 में कांग्रेस, अविभाजित शिवसेना और अविभाजित एनसीपी ने मिलकर सरकार गठन किया था। शिवसेना के उद्धव ठाकरे को कांग्रेस और शरद पवार ने मिलकर मुख्यमंत्री की कुर्सी सौंपी थी। ठाकरे परिवार के उद्धव पहले व्यक्ति थे जिन्होंने कोई संवैधानिक पद संभाला था। उद्धव करीब 3 साल तक राज्य के मुख्यमंत्री रहे। 2022 में एकनाथ शिंदे के नेतृत्व में शिवसेना में बगावत हो गई और उद्धव को मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देना पड़ा। उद्धव इसके बाद इस मामले को भावात्मक रूप से महाराष्ट्र में उठा रहे हैं। हालिया लोकसभा चुनाव में महाविकास अघाड़ी को इसका फायदा भी मिला। लोकसभा की 48 में से 29 सीटों पर महाविकास अघाड़ी को जीत मिली थी। ऐसे में गठबंधन के दल उद्धव के सहारे विधानसभा चुनाव में भी सिंपैथी वोट लेना चाहती है। कांग्रेस और शरद पवार की पार्टी के पास पूरे राज्य स्तर पर उद्धव के टक्कर का सर्वमान्य नेता नहीं है। कांग्रेस में जनाधार वाले कई नेता पार्टी को छोड़ चुके हैं। इनमें पूर्व सीएम अशोक झाड़वाड़ का भी नाम शामिल है। वर्तमान में पार्टी के भीतर जो नेता मौजूद हैं वो अपने अपने क्षेत्रों में ही सिमटे हुए हैं। शरद पवार की पार्टी में पहले अजीत पवार चेहरा हुआ करते थे, लेकिन बगावत के बाद अजीत भी अलग रास्ते पर है। शरद पवार उम्र की वजह से रेस से बाहर हैं। उनकी बेटी सुप्रिया भी केंद्र की राजनीति कर रही हैं। पार्टी में जयंत पाटिल और जितेंद्र आडवाड़ के बड़े चेहरे के रूप में मौजूद हैं, लेकिन दोनों का कोई बड़ा जनाधार नहीं है। कांग्रेस और एनसीपी शरद पवार गुट के पास पूरे महाराष्ट्र में सर्वमान्य नेता का ना होना भी उद्धव को लीड दे दिया है। कांग्रेस और शरद पवार का गुट उद्धव के नेतृत्व में महाराष्ट्र में काम कर चुकी है। दोनों तरफ से दिग्गज नेता उद्धव सरकार में मंत्री थे। ऐसे में उद्धव को फेस घोषित करने से भी नेताओं में असहजता नहीं आएगी। दूसरी तरफ एकनाथ शिंदे मुख्यमंत्री हैं और इंडिया गठबंधन पूरे चुनाव को एकनाथ वर्सेज उद्धव बनाने की राजनीति पर काम कर रहे हैं। एकनाथ का प्रभाव सिर्फ ठाणे और कोकड़ इलाके में ही है। इंडिया गठबंधन पूरे चुनाव को दो नेताओं का मुकाबला बताकर पूरे महाराष्ट्र में जीतने की रणनीति पर काम कर रही है।